गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स, आज पेड़ों को बढ़ावा देने का वक्त आ गया है। चर्चा का नहीं, हकीकत, नॉट ऑन पेपर बट इन प्रैक्टिकल। विश्व पर्यावरण दिवस, प्रदूषण मुक्ति दिवस, जन जागृति दिवस, ये यूएनओ से लेकर और अलग अलग संस्थाओं द्वारा, देशों द्वारा, प्रदेशों द्वारा मनाए जाते रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे खाना पूर्ति न माना जाए, सिर्फ एक दिखावटी आइटम इसे न बनाया जाए। दो अधिकारी आ गए, दो जनप्रतिनिधि आ गए और एक पेड़ लगाकर फोटो शेयर कर दिया गया, फोटो लगाते हुए। इससे काम नहीं चलने वाला है। सरकारें ग्रांट जारी कर रही हैं अपनी तरफ से पेड़ों को लगाने के लिए। इसके लिए समुचित प्रयासों के साथ साथ सुपरविजन की जरूरत है। ऐसी जगह पर लगाया जाना जरूरी है। बड़ी संख्या भारत के ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय पाठशालाएं बंद हुई हैं और तेजी से हो भी रही हैं। धरना सेठों के आगमन के साथ बैंकिंग और शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवहन, एयर इंडिया का टाटा इंडिया, ये समय का आवश्यकता है। इसमें किसी व्यक्ति का कुछ विशेष हाथ या उसे उलाहना देने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे वामपंथी संगठन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खुद उनके देश भी, जहाँ से वो इस तरह की नीति लेकर आए थे, और राज्य भी, सिल्वर लाइन जैसे प्रोजेक्ट केरला डाल रहा है निजी क्षेत्र के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर ग्लोबलाइजेशन स्तर पर बढ़ रहा है, वैश्विक दमक दिखा रहा है, तो बढ़ेगा। इस तरह के जो सार्वजनिक संस्थान जिन पर ताले लगाए जा रहे हैं, कल एक संस्था बता रही थी कि राजस्थान में 1 खरब रुपये लागत के सरकारी संस्थान बंद हुए हैं। 1 खरब, जब भूमि और भवनों का सर्वेक्षण किया गया तो 1 खरब और राष्ट्रीय स्तर पर पैमाना बहुत बड़ा है, जो कि राज्य सरकारों का सालाना बजट भी नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि जो SMC पुरानी उनकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज हैं, बिना बच्चों वाली संस्थाओं की, और ग्राम पंचायतें, या इसी दिन के वन विभाग के अधिकारी भी इस काम को हाथ में ले सकते हैं, परंतु पेड़ वहाँ लगाए जाए, उन इमारतों का प्रयोग किया जाए पौधगृह के रूप में और ट्री सेंट्रलाइजेशन के रूप में, उनको एक वजह से केंद्र बनाया जाए, वन केंद्र के रूप में। कहते हैं जंगल में भी पेड़ तो अपने आप भी उग जाता है, और अगर उगा भी दिया गया तो कहना क्या। तो बगीचा बागवानी जैसा भी बन पाए, ग्राम पंचायतें करें, पहले हमें चाबी तो दें। उनका ये शिकायत है कि सरकार के अधिकारी चाबी लेकर दौड़ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जन खाते की व्यवस्था और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ निर्वाचित सरकारें हैं जो ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती हैं, और शहरों में शहरी निकाय हैं। ये जो उनके ऊपर जो तालाबंदी की गई है सरकारों द्वारा, वो ग्राम पंचायतों में दिया जाए, और पेड़ों के लिए उन स्वयं के क्षेत्र में भी 4 दीवारी बनी हुई है, बड़ी सुरक्षित पेड़ों का विकास हो सकता है और फलदार पेड़ों का भी हो सकता है। तो ग्राम पंचायतों को चाबियाँ दी जाए और फंडिंग उनके तहत ही किया जाए, सिर्फ ज़्यादा प्रदर्शनियों पर ध्यान नहीं दिया जाए। जागृति सभी को पता है, प्रदर्शनी उस दौर का कार्यक्रम होता था, तब निरक्षरता थी। आज बड़ा एक यूट्यूबिंग और दूसरी तरह की ऐसी एजेंसी हैं कि आप वहाँ से हर तरह की जानकारी ले सकते हैं, तो इनके आयोजन का ज़्यादा महत्व नहीं है। काम शुरू किया जाए, मेरा यहीं से यही कहना है कि सरकार पेड़ों के लिए पंचायतों को बंद संस्थानों की चाबियाँ दें, और इसके लाखों करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक आंकड़ा और बढ़ा जाएगा। तो इस बढ़ते निजी क्षेत्र के धमक के साथ हमें
पूरे संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। वो जन अकाउंट ही है, पब्लिक अकाउंट ही है, वो जनता के गाड़े पैसे नहीं कमाई है। कुछ भामाशाओं द्वारा भी छोटा मोटा उसमें सेव किया गया था, तो उसको बेकार ऐसे कूड़े का ढेर न बनने दिया जाए और वहाँ पौधों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।